तो ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसके बारे में मैं आपकी पहली टेस्ट लूंगा। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको ट्रांसलेट करने होंगे, पैसिव वॉइस में कुछ सेंटेंसेस बनाने होंगे। आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आर यू रेडी? यस सर। वेरी गुड। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमने पढ़ा है, जैसे मैं आम खाता हूँ, आम मुझसे खाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है। आपको ट्रांसलेट करना है, मैं जो सेंटेंसेस बोलूंगा आपको ट्रांसलेट करना है। मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो। आम मेरे द्वारा खाया जाता है, मैंगो इज ईटन बाय मी। वो लड़की आम खा रही है, सी इज ईटिंग अ मैंगो। आम उसके द्वारा खाया जा रहा है, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर। मैंने आम खाया है, आई हैव ईटन अ मैंगो। आम मेरे द्वारा खाया गया है, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मैं सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आई एम ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस। वेरी गुड। सेंटेंसेस मेरे द्वारा ट्रांसलेट किए जा रहे हैं, द सेंटेंसेस आर बीइंग ट्रांसलेटेड बाय मी। वेरी गुड। मैं वॉइस बदलता हूँ, आई चेंज द वॉइस। वॉइस मेरे द्वारा बदला जाता है, द वॉइस इज चेंज्ड बाय मी। वेरी गुड। मैं वॉइस बदल रहा हूँ, आई एम चेंजिंग द वॉइस। वॉइस मेरे द्वारा बदला जा रहा है, द वॉइस इज बीइंग चेंज्ड बाय मी। द वॉइस इज बीइंग चेंज्ड बाय मी। देखो ये लड़का कितने अच्छे सेंटेंसेस बना रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। आर यू रेडी? यस सर। आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय मी। शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। आई हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। राम विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। राम कैन राइट अ लेटर, अ लेटर कैन बी रिटन बाय राम। आई एम टीचिंग इंग्लिश, English is being taught by me. English is being taught by me. I sing a song, a song is sung by me. She sings a song is sung by her. I have sung a song, a song has been sung by me. She will sing a song will be sung by her. I help you, you are helped by me. She helps me, I am helped by her. She loves me, I am loved by her. I tell a story, a story is told by me. I have told a story, a story has been told by me. You can tell a story can be told by you. Very good. She calls me, I am called by her. Sachin plays cricket, cricket is played by Sachin. Sachin has played cricket, cricket has been played by Sachin. India won the match, the match was won by India. She did not inform me, I was not informed by her. I was not informed by her. Will you write a letter? Will a letter be written by you? Can you write a letter? Can a letter be written by you? Will you tell a story? Will a story be told by you? Will a story be told by you? Very good. Why will you tell a story? Why will a story be told by you? I could sing a song, a song could be sung by you. Very good. Could you sing a song? Could a song be sung by you? Could a song be sung by you? Very good. Very good. Very good. तो देखो ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, ये जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड कंस्ट्रक्शन है। तो हम एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और ये इमेजिनरी सिचुएशन क्या है, देखो कोई मुर्गे और मुर्गियों को पकड़ के कसाई पिंजरे में रखता है, उनको काटता है, उनका चिकन बनाता है, उनको खरीदता है, उनको मारता है। तो आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करनी है, आपको थिंक करना है। तो जो मुर्गे और मुर्गियां पिंजरे में कैद होगी वो आपस में कैसे बात करेगी? एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को बोलेगी मुझे खाया जाता है। ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस। मुझे खाया जाता है, मुझे लोगों के द्वारा खाया जाता है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई एम ईटन बाय पीपल, आई एम ईटन बाय पीपल। मुझे खाया जाता है, मुझे लोगों के द्वारा खाया जाता है, इसका एक्टिव वॉइस कैसे होगा? पीपल ईट मी, पीपल ईट मी। तो पीपल ईट मी ये एक्टिव वॉइस है, और आई एम ईटन बाय पीपल, मुझे लोगों के द्वारा खाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन ये जो मुर्गे और मुर्गियां, ये तो कभी बोलेगी नहीं, लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन में वो मुर्गी बोलेगी हाँ हमें भी खाया जाता है, वी आर ईटन, हमें लोगों के द्वारा खाया जाता है, वी आर ईटन बाय पीपल। एक मुर्गी बोलेगी तुझे भी खाया जाता है, यू आर ईटन, तुझे काटा जाता है, यू आर कट, तुझे बच्चर के द्वारा काटा जाता है, यू आर कट बाय अ बच्चर। बच्चर मीन्स कसाई, आपको बच्चर के द्वारा काटा जाता है, आपको रखा जाता है, यू आर केप्ट, हमें रखा जाता है, वी आर केप्ट, हमें बेचा जाता है, वी आर सोल्ड, हमें पकड़ा जाता है, वी आर कॉट, हमें बच्चर के द्वारा पकड़ा जाता है, वी आर कॉट बाय अ बच्चर, हमारे अंडे उबाले जाते हैं, आवर एग्स आर बॉइल्ड, आवर एग्स आर बॉइल्ड, हमारे अंडे बेचे जाते हैं, आवर एग्स आर सोल्ड, हमारे अंडे लोगों के द्वारा बेचे जाते हैं, आवर एग्स आर सोल्ड बाय पीपल। वो मेरी सहेली है लाली, वो मुर्गी, उसे भी मारा जाता है, She is killed. She is killed. उसे बच्चर के द्वारा मारा जाता है, She is killed by a butcher. Very good. तो अभी सिचुएशन आपको ऐसी क्रिएट करनी है। देखो कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशन है, वो जो मुर्गी है उसे बच्चर पकड़ रहा है,
और जब वो बच्चर उसे पकड़ रहा है तो मुर्गी जोर जोर से चिल्लाती होगी पिंजरे में, मुझे पकड़ा जा रहा है, I am being caught. मुझे बच्चर के द्वारा पकड़ा जा रहा है, I am being caught by a butcher. मुझे मारा जा रहा है, I am being killed. मुझे बच्चर के द्वारा मारा जा रहा है, I am being killed by a butcher. ये तो पैसिव है, इसका एक्टिव कैसे होगा? A butcher is killing me. A butcher is killing me. देखो कितना अच्छा ये सेंटेंसेस बना रहा है, लेकिन कंटिन्यूस सिचुएशन में और भी सिचुएशन हो सकती है। हमें पकड़ा जा रहा है, We are being caught. वो मेरी सहेली लाली, उसे भी पकड़ा जा रहा है। She is being caught. She is being caught. उसे बच्चर के द्वारा पकड़ा जा रहा है। She is being caught by a butcher. अभी देखो सिचुएशन ऐसी है, उस बच्चर ने मुर्गी का चिकन बनाया है और सब मुर्गे और मुर्गियों को मार डाला है, तो मुर्गी की आत्मा क्या बोलेगी? मुझे मारा गया है, I have been killed. मुझे बच्चर के द्वारा मारा गया है, I have been killed by a butcher. ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है। मुझे बच्चर के द्वारा मारा गया, इसका एक्टिवाइज कैसे होगा? A butcher has killed me. हमें मारा गया है, We have been killed. हमें रखा गया है, We have been kept. हमें बेचा गया है, We have been sold. We have been sold. Very good. देखो अभी सिचुएशन ऐसी है, उन मुर्गे और मुर्गियों को बच्चर काटने वाला है, कल उनको काटने वाला है, उनको मारने वाला है, उनका चिकन बनाने वाला है, तो मुर्गी क्या सोचती होगी? अभी मुर्गी कभी सोचेगी नहीं, बोलेगी नहीं, लेकिन हम इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो मुर्गी सोचेगी पिंजरे में है वो, कल मुझे मारा जाएगा, I will be killed. कल मुझे बच्चर के द्वारा मारा जाएगा, I will be killed by a butcher. I will be killed by a butcher. इसका एक्टिवाइज कैसे होगा? A butcher will kill me. A butcher will kill me. देखो कितने अच्छे सेंटेंसेस वो बना रहा है। A butcher will kill me. सब मुर्गियां सोचेगी हमें मारा जाएगा, We will be killed. हमें काटा जाएगा, We will be cut. हमें पकड़ा जाएगा, We will be caught. हमारा लेग पीस खाया जाएगा, Our leg piece will be eaten. वो मेरी सहेली लाली, उसे भी मारा जाएगा, She will be killed. उसका चिकन बनाया जाएगा, Her chicken will be made. Her chicken will be made. हमारे बोन्स फेंके जाएंगे, Our bones will be thrown. हमारे बोन्स लोगों के द्वारा फेंके जाएंगे, Our bones will be thrown by people. Our bones will be thrown by people. देखो एक्टिवाइज और पैसिवाइज, ये लड़का कितना अच्छा बना रहा है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ गलतियां होती है तो होने दो, वेरी गुड। लेकिन यही जो सेंटेंसेस है हम हाँ ना में या सवाल में कर सकते हैं। आर यू रेडी? जैसे मुझे खाया जाता है, आई एम ईटन। मुझे लोगों के द्वारा खाया जाता है, आई एम ईटन बाय पीपल। मुझे नहीं खाया जाता है, आई एम नॉट ईटन। क्या मुझे खाया जाता है, एम आई ईटन? तुझे भी खाया जाता है, यू आर ईटन। तुझे नहीं खाया जाता है, यू आर नॉट ईटन। क्या तुझे खाया जाता है, आर यू ईटन? हमें रखा जाता है, वी आर केप्ट। हमें पिंजरे में रखा जाता है, वी आर केप्ट इन द केज। हमें पिंजरे में नहीं रखा जाता है, वी आर नॉट केप्ट इन द केज। हमें पिंजरे में रखा जाता है क्या? Are we kept in the cage? हमें पिंजरे में क्यों रखा जाता है? Why are we kept in the cage? Why are we kept in the cage? हमें पिंजरे में क्यों नहीं रखा जाता है? Why are we not kept in the cage? Very good. मुझे पकड़ा जा रहा है, I am being caught. मुझे नहीं पकड़ा जा रहा है, I am not being caught. क्या मुझे पकड़ा जा रहा है, Am I being caught? मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, Why am I being caught? मुझे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, Why am I not being caught? मुझे मारा गया है, I have been killed. तुझे भी मारा गया है, You have been killed. ये पैसिव वॉइस है, ये मुर्गी बोलती होगी, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को बोलती होगी, मारा गया है, You have been killed. तुझे नहीं मारा गया है, You have not been killed. क्या तुझे मारा गया है, Have you been killed? तुझे क्यों मारा गया है, Why have you been killed? तुझे क्यों नहीं मारा गया है, Why have you not been killed? Why have you not been killed? देखो ये हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और भी सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। कल मुझे मारा जाएगा, Tomorrow I will be killed. वो मेरी सहेली लाली, उसे भी मारा जाएगा, She will be killed. उसे मारा नहीं जाएगा, She will not be killed. क्या उसे मारा जाएगा, Will she be killed? क्या उसे नहीं मारा जाएगा, Will she not be killed? उसे क्यों मारा जाएगा, Why will she be killed? उसे क्यों नहीं मारा जाएगा, Why will she not be killed? हमारा लेग पीस खाया जाएगा, Our leg piece will be eaten. हमारा लेग पीस नहीं खाया जाएगा, Our leg piece will not be eaten. क्या हमारा लेग पीस खाया जाएगा, Will our leg piece be eaten? क्या हमारा लेग पीस नहीं खाया जाएगा, Will our leg piece not be eaten? Very good. हमारा लेग पीस क्यों खाया जाएगा, Why will our leg piece be eaten? Very good. देखो ये लड़का बहुत ही अच्छा सेंटेंसेस बना रहा है, इसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। ठीक है, अगर कुछ गलतियां होती है तो होने दो, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। ये पैसिवाइज हमें कहाँ पे यूज करना पड़ता है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से बना सकता है। एक्टिवाइज पैसिवाइज ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लड़का बहुत ही अच्छी तरीके से सेंटेंसेस बना रहा है। ये कोई भी एक्टिवाइज का सेंटेंस पैसिवाइज में चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसको एक्टिवाइज और पैसिवाइज नहीं आता है। इसने इस यू कैन स्पीक कंसेप्ट से इसने सब कुछ टेक्निक्स पढ़े हैं, ग्रामर के, स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक सब उसने पढ़े हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं उसको और भी सवाल पूछने वाला हूं।
हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें। इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे। यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है। देयर आर टोटल चैप्टर्स। अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा, लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो। उसे बार बार देख सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद 4 प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे। और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो। हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं। अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल